हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश गोस्वामी और आप देख रहे हैं यूट्यूब का मेकिंग प्रोजेक्ट चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वो एक मिनी बैंडसो मशीन पे है, यानी आप इसे छोटा आरा भी बोल सकते हैं। जो लकड़ी काटने के लिए आरा होता है उसी तरह का ये छोटा आरा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक 100 सेंटीमीटर लंबा और 100 सेंटीमीटर चौड़ा जो लकड़ी का बोर्ड होता है उसको यूज़ करना है, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों, हम इस साइज से इसे देखिए कट कर सकते हैं, कट कर लेते हैं। और इसे कट करने के बाद बड़ी आराम से आप इसे फिट भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैंने इसे पहले से कंप्लीट कर लिया है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये किस तरह से तैयार होने के बाद दिखता है। तो फ्रेंड्स, डायग्राम में बताए गए साइज के अनुसार मैंने इस देखिए इस तरह से लकड़ी को कट कर लिया और इस तरह से इसे फिट कर दिया है। ये दोस्तों, इसे सही अगर साइज में आप कट कर दोगे तो फिट करना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी आसानी से फिट कर सकते हो। ये देखिए, इस तरह से मैंने पेच के जरिए या फिर नट के जरिए इसको पूरा सही सेट कर दिया है, देखिए इस तरह से। और फ्रेंड्स, मैं इसका जो वीडियो है बनाते वक्त नहीं बना सका, क्योंकि अगर मैं मुझे जब भी थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने इस मशीन को थोड़ा सा तैयार कर दिया। और इस तरह से अगर मैं वीडियो बनाता तो वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाती और दोस्तों उसमें एडिटिंग करने में काफ़ी समय लग जाता। तो देखिए, आप इस तरह से जो डायग्राम में मैंने बताया है उसके साइज़ के अनुसार लकड़ी को कट कर लीजिए और इस तरह से फिट कर लीजिए। अब मैं दोस्तों इस मशीन के कई पार्ट उनके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, इस मशीन को चलाने के लिए दोस्तों मैंने कूलर की मोटर का यूज किया है। ये देखिए, कूलर की मोटर है, ठीक है। और इसके अलावा ये जो ब्लेड है, या इसे आप मार्केट से कहीं से भी खरीद सकते हो। इस ब्लेड को आप देखिए, मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए, यहाँ से गैस वेल्डिंग की हुई है, गैस वेल्डिंग करवा लेते हैं, ठीक है। और ये जो पार्ट है दोस्तों, जिस प्रकार इसके ऊपर एक बेस लगेगा, जहाँ पर मतलब जो लकड़ी को रखने के लिए और अच्छी तरह से काट सके, तो इसके बीच की दूरी है, ये दूरी है, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं इसके ज़रिए। यानी मान लीजिए हमें करीबन 1 इंच की लकड़ी कट करनी है, तो इसे नीचे खिसका देते हैं, देखिए यहाँ से इसको दबा करके इसे नीचे खिसका देते हैं। और मोटी लकड़ी कट करनी है तो हम इसे ऊंचा कर देते हैं। और ये देखिए, ये दोनों साइड में मैंने बैरिंग फिट किए हैं ताकि ये जो ब्लेड है उस साइड की तरफ न जाए और पीछे न जाए, इसलिए मैंने पीछे ये देखिए यहाँ पर एक बैरिंग फिट किया है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों, ये देखिए जो व्हील है, ये 8 इंची के आसपास है, 8 इंची यानी मोटा है ये। और इस प्रकार के दो व्हील फिट किए हैं मैंने, देखिए एक तो व्हील ये हो गया और दूसरा होगा ये, ठीक है, ये हो गया। दो व्हील एक साइज की तैयार करते हैं, ठीक है। और एक व्हील और सेट करते हैं, जो कि हम मोटर से जो इसे चलाने के लिए फैन बेल्ट चलाने के लिए जो पुली है, पुली के रूप में तैयार करेंगे, देखिए इस तरह से तैयार करते हैं, ठीक है, इस तरह से ये चलेगा। और दोस्तों, जब मान लीजिए हमें ये जो ब्लेड है ये टूट जाए, ठीक है, तो उसको वेल्डिंग करने के लिए हम इसको निकालते हैं या फिर इसके अंदर डालते हैं, तो इस ये जो भाग है इसको हम ओपन कर देते हैं और एक ये भाग बनाया नीचे, देखिए इस तरह से इसको भी ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ से ब्लेड डालते हैं और यहाँ पर हम इसके ऊपर चढ़ा देते हैं। और इसे टाइट करने के लिए दोस्तों मैंने ये देखिए, ये देखिए इस तरह से जो ये वाला है व्हील है ऊपर वाला, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, दिखाता हूँ आपको, देखिए इसके ज़रिए हम इसे टाइट कर देते हैं, ठीक है। और इस तरह से हम इसे लूज कर देते हैं, ठीक है, ये देखिए इस तरह से हम टाइट करेंगे तो ये जो व्हील है, ये व्हील है ये ऊपर चला जाएगा और जिससे ये ब्लेड टाइट हो जाएगी। और जैसे हमें ब्लेड को उतारना है तो इसे लूज कर देते हैं, लूज करने से ये व्हील नीचे आ जाएगा और इस ब्लेड को हम आसानी से निकाल सकते हैं।
तो फ्रेंड ये कोई ज़्यादा झंझट वाला बात नहीं है, इसमें बड़ी आसानी से इसको तैयार कर सकते हो। और दोस्तों इस मशीन पर आप जैसे जो इलेक्ट्रिशियन होता है वो बोर्ड तैयार कर सकता है, किसी भी साइज़ का बोर्ड तैयार कर सकता है, और या फिर हमें किसी प्लास्टिक को काटना है या फिर किसी भी लकड़ी को, हम कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं लकड़ी को अपने हिसाब से काटें या गोलाई के हिसाब से किस तरह से भी कट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। क्योंकि ये जो ब्लेड है ये बहुत ही मान लीजिए आप करीबन 1 सेंटीमीटर के आसपास है, ठीक है। तो इससे हम गोलाई भी दे सकते हैं और किसी भी तरह सीधा भी कट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको देखिए एक बार इसको चला करके दिखाता हूँ, ये जो मोटर है और मैं ये देखिए यहाँ पे सप्लाई देता हूँ 230 वोल्ट है इसको। ये दोस्तों जो कूलर की मोटर है वो थोड़ी छोटी है, ठीक है, क्योंकि इससे हम मान लीजिए करीबन 1 इंच या 1.5 इंच लकड़ी को थोड़ा सा कट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम 6 या 7 इंच मोटी लकड़ी कट करना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों मैं ये जो मोटर है पानी की मोटर है इसको फिट करूँगा, ठीक है। और इस मोटर को तो मैंने थोड़ा सा वीडियो जल्दी बन जाए इसलिए मैंने सोचा कि इसी मोटर को सेट करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर प्लाई वगैरह काटते हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, लेकिन अगर आप 6 या 7 इंच मोटी लकड़ी कट करना चाहते हो तो इस मोटर की जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको इसे थोड़ा चला करके दिखा देता हूँ। ये देखिए चल पड़ी, ठीक है, तो बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से ये दोस्तों बहुत ही अच्छी तरह से काम करेगी। और अब मैं इसका जो बेस है जो लकड़ी का, तो उसके ऊपर यानी इसको हम थाड़ा भी बोल सकते हैं, इसको सेट कर देता हूँ ताकि आपको इसका थोड़ा सा यूज़ भी करके दिखा दूँ आपको, ओके। इसको हम बंद कर देते हैं, ये बंद कर दिया, और इसको भी बंद कर देते हैं, ठीक है। अब ये दिखने में सुंदर लगती है। अब देखिए दोस्तों ये है इसका बेस जिस पर हम लकड़ी को देखिए इस तरह से थोड़ा सा ठीक है, ये हो गया फिट। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हम एक शक्रू यानी पेच कस देते हैं और 3 पेच हम यहाँ पर कस देते हैं, ठीक है। और ये जो भाग है दोस्तों यहाँ पर देखिए इस तरह से एक ये भी प्लाई लगेगी, देखिए इस तरह से सेट होगी ये, लेकिन इस प्लाई को हम अपनी इच्छा अनुसार हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। इसका मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि मैं इसी मशीन पर दोस्तों कई मशीन तैयार करने वाला हूँ, ठीक है। कम से कम मान लीजिए इस पर 6 या 7 मशीन एक मशीन पे तैयार करने वाला हूँ, और नेक्स्ट वीडियो को आप देखते रहिए। तो अब मैं आपको ये पेज टाइट करके फिर से सेट करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने देखिए ये 3 पेज कस दिए, एक यहाँ पे कस दिया और 3 यहाँ पे कस दिए, ठीक है। तो अब ये काम करने के लिए तैयार है, तो मैं अब आपको इसे चला के दिखाता हूँ। देख सकते हो अब मैं थोड़ा सा आपको इसे लकड़ी को काट के दिखाता हूँ, ये लकड़ी है काट कर।
देखा दोस्तों हमने किस तरह से बड़ी ही आसानी से लकड़ी को काट लिया है, और देखिए वो भी कितनी सफाई के साथ, ये देख सकते हो आप। ये दोस्तों 1 या 1.5 इंच लकड़ी को बड़ी आसानी से कट कर सकते हैं, लेकिन अगर उससे मोटी लकड़ी कट करनी है हमें इस मशीन पे, हम दोस्तों करीबन ये समझो कि मैं दिखा देता हूँ आपको, ये यानी एडजस्ट करके यहाँ तक आ जाता है। तो इस पर दोस्तों कम से कम मान लीजिए लास्ट होगा इसका 6 इंच तक लकड़ी कट कर सकते हैं, ठीक है, यानी 6 इंच मोटी लकड़ी है तो उसको भी बड़ी आसानी से काट सकते हैं। और दोस्तों इसमें जो कूलर की मोटर है, क्योंकि कूलर की मोटर में इतना पावर नहीं होता है, तो हम 1 या 1.5 इंच लकड़ी को बड़ी आसानी से काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए हम इस तरह की कोई मोटी लकड़ी कट करना चाहते हैं यहाँ से, ठीक है, तो उसमें दोस्तों अगर ये जो मोटर है इससे थोड़ी बड़ी मोटर लगा देंगे तो बड़ी आसानी से हम इससे काट सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मेरे नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखें, क्यों आप एक भी मेरा वीडियो मिस ना करें, क्योंकि अगर आप एक भी वीडियो अगर मिस करोगे तो जो आगे का पार्ट है वो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और दोस्तों मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।